बिलासपुर के एसपी कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति हाथ में केरोसिन का डब्बा लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गया। दरअसल पीड़ित का आरोप है कि उसने कोरोना महामारी से पहले एक व्यक्ति को जमीन खरीदने के लिए 11 लाख रुपए दिए थे जो उसने हड़प लिए थे, जिसके बाद से वह लगातार शिकायत कर रहा है और संतोषजनक परिणाम न मिलने पर आत्महत्या करने थाने पहुँच गया। मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर व्यक्ति को घर भेजा और उनको थाने में बुलाए भी थे। थाने में बुला के वो खुद बोल रहा है कि मैं 10 दिन में पैसा व्यवस्था करके दूंगा, उसके बाद भी आज कोई कार्रवाई नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ आत्महत्या करने आया हूँ। 10 दिन से मैं यहाँ पे भी चक्कर काट लिया, वही बोल नहीं रहा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ मेरा कार्रवाई निराकरण, ये पैसा दिलवा दें या फिर आवेदक जो है महिंद कश्यप, इसके द्वारा एक जमीन खरीदने के संबंध में अनावेदक जो है सुनील रामचंदानी, इसके संबंध में पैसे के लेन देन की शिकायत की गई थी। इस पूरे प्रकरण में जो जमीन मालिक है, जमीन मालिक की कोरोना के दौरान मृत्यु हो गई और ये जो जिससे इस जमीन के संबंध में सौदा किया गया था वो जो है राणा राजवीर सिंह राणा रायपुर के निवासी, उनकी भी मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य उपस्थित नहीं है और जो हमारी पुलिस की टीम है, पुलिस की टीम जो रायपुर में राजवीर राणा है उनके घर भी जाकर छानबीन कर रही है कि इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य है या नहीं है, पैसे का लेन देन है या नहीं।